जो रब से डरता है वो किसी से नहीं डरता। जब अब्दुल्ला बिन अली अब्बासी ने दमिश्क फतह किया तो सिर्फ एक घंटे में बहुत सारे मुसलमानों की कसीर तादाद का नाहक खून बहा दिया और खिलाफत उमविया की सबसे बड़ी मस्जिद के अंदर अपने घोड़ों को दाखिल कर दिया। फिर वुज़रा के साथ बैठा और बतौर फ़ख्र पूछा, अब कोई मेरा मुकाबला कर सकता है? जवाब मिला, नहीं। उसने फिर पूछा, क्या तुम लोगों को किसी के बारे में इल्म है जो मुझ पर एतराज़ करने की जुरत रखता हो? वुज़रा ने जवाब दिया, नहीं। हाँ, अगर कोई जवाब देने की जुरत कर सकता है तो वो औज़ाई रहमतुल्ला अलैह हैं। अब्दुल्ला बिन अली अब्बासी ने कहा, उज़ाई रहमतुल्ला अलैह को मेरी खिदमत में हाजिर करो। चुनाचा फौजी इमाम उज़ाई रहमतुल्ला अलैह को लाने गए, लेकिन उन्हें देखकर इमाम साहिब ने अपनी जगह से बिल्कुल भी हरकत नहीं की। फौजियों ने कहा, अब्दुल्ला बिन अली के दरबार में आपका बुलावा है। इमाम उज़ाई ने उनसे कहा, हमें अल्लाह ही काफ़ी है और वो बहुत अच्छा कारसाज है, तुम लोग थोड़ी देर मेरा इंतज़ार करो। फिर अंदर गए, गुसल फरमाया, कफन जेब तन किया और मौत के लिए खुद को तैयार कर लिया और अपने आप से मुखातिब होकर फरमाया, ए औज़ाई, अब वक्त करीब आन पहुँचा है कि तू हक बात कहे और किसी मलामत करने वाले की मलामत से हरगिज़ न डरे। इमाम औज़ाई खुद यह किस्सा बयान करते हैं, मैं अब्दुल्ला बिन अली के दरबार में दाखिल हुआ तो वहाँ फौजियों का हुजूम था। उन फौजियों की दो सफ़ें थी और हर फौजी अपनी तलवार मयान से निकाल कर सोते हुए था। मैं तलवारों के साय में चलते हुए अब्दुल्ला बिन अली तक पहुँचा। वो अपने पलंग पर बैठा हुआ था, उसके हाथ में एक कोड़ा और उसकी पेशानी पर गुस्से के आसार नुमाया थे। इमाम उज़ाई रहमतुल्ला अलैह कहते हैं, जब मैंने अब्दुल्ला बिन अब्बासी को देखा तो वो मेरी निगाह में मक्खी की मानिंद हकीर था। मैंने उस वक्त किसी को याद नहीं किया, ना तो अहले खाना को, ना माल को, ना औलाद को, बल्कि अर्शे इलाही को याद किया कि जब अल्लाह ताला कयामत के दिन लोगों के सामने जाहिर होगा। अब्दुल्ला बिन अली ने अपनी निगाह ऊपर उठाई तो उसके चेहरे से गुस्से का खून टपक रहा था। वो गोया हुआ, ए उज़ाई, हमने जो बनू उमैया का खून बहाया है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इमाम उज़ाई ने जवाब दिया, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन सूरतों के अलावा किसी मुसलमान का खून बहाना जायज़ नहीं, शादीशुदा जानी, खून का बदला खून और दीन हक को छोड़ने वाला। लिहाजा तुमने जिनको कत्ल किया है अगर उनका शुमार इन तीन किस्म के लोगों में हो तो ठीक है, वरना उनका नाहक खून तुम्हारी गर्दन पर है। इमाम उज़ाई रहमतुल्ला अलैह कहते हैं, ये सुनकर उसने कोड़े का बल खोला और मैंने इमामा उतार लिया, क्योंकि अब मैं तलवार का इंतजार कर रहा था। मैंने वुज़रा को देखा जो अपने कपड़े समेट रहे थे ताकि कपड़ों पर मेरे खून के छींटे न पड़ने पाए। फिर अब्दुल्ला बिन अली अब्बासी ने सवाल किया, मालो दौलत के बारे में आपका क्या ख्याल है? इमाम उज़ाई ने जवाब दिया, अगर हलाल है तो बहरहाल हिसाब देना है और अगर हराम है तो सजा भुगतनी पड़ेगी। अब्दुल्ला बिन अली अब्बासी ने कहा, ये सोने से भरा हुआ थैला कबूल करें। इमाम उज़ाई रहमतुल्ला अलैह ने कहा, मुझे मालो दौलत की कोई जरूरत नहीं। इमाम उज़ाई कहते हैं कि एक वजीर ने मुझे आंख से इशारा किया कि मैंने सोने से भरा हुआ वो थैला कबूल करूं। चुनाचा इमाम उज़ाई ने थैला ले लिया और उसे फौजियों में बराबर तकसीम कर दिया और खाली थैला वहीं फेंक कर ये पढ़ते हुए निकल गए, हमें अल्लाह ही काफ़ी है और वो बहुत अच्छा कारसाज है।